तब इस वाक्य से ये पता चलता है कि चाहे कोई मुल्क चांद पर ही क्यों ना चला जाए, अगर वो सिफारती आदाब, आलमी कवानीन, बैरन कौमी तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है, तो उसका जो तर्ज अमल है और जो बदमाशी है वो जग हसाई का सबब बनती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, MIT में मिल जाता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ये है। इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है, बाहर की कंपनी को कहता है जी के पहले हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। कि हमें जिहाद करने के लिए भी खुराक की तो जरूरत है, तालीम की जरूरत तो है। कि दुनिया में जहां इंडिया होगा हम नहीं होंगे, तो फिर इंडिया हर जगह होगा, तो इसका मतलब आप कहीं भी नहीं होंगे। डायलॉग चल रहा है वहां पे, एक कमेटी बनाई गई है जो रिसर्च कर रही है कि खुदा मेल था या फीमेल था। तो दिस इज व्हाट देयर प्रायोरिटीज राइट नाउ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, सिनेमे चल चुके हैं, बॉलीवुड के शोर हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद करना। ठीक है, इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारवती इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है, उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारवती सुजुकी की बात की है, हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई काम कर रही थी, वो तो टोयोटा अपनी बंद करके भाग रहे सारे। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकॉनमी इंप्रूव हो जाएगी। आप ये समझ लें कि ये रॉ और जो जो और जो सऊदी किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान हुआ है। जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताएं। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब, आपका उसका एक रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, सवा तीन साढ़े तीन रुपए है। जय हिंद दोस्तों, जिस तरह से तरार साहब ने कहा कि भारत के बच्चे और भारत बहुत जल्दी अमेरिका में कब्जा कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि भारत अमेरिका पे अटैक करने वाला है एंड ऑल दैट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत के बच्चे जिस तरह से IIT से पढ़कर पूरी दुनिया में अपना कब्जा कर रहे हैं, बोले तो टॉप पोजीशंस पे, टॉप कंपनीज पे जो भारत के बच्चे आज आसीन हैं, उसी का नतीजा होगा कि भारत पूरा तरह से अमेरिका में कब्जा कर सकता है, इंटेलेक्चुअल कब्जा ये रहेगा। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि MIT में एडमिशन लेना आसान है और भारत के IIT में एडमिशन लेना मुश्किल है। IIT में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, तब आप IIT में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन MIT में कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तरार साहब के कुछ व्यूज हैं भारत के ग्रोथ के बारे में, भारत के स्टूडेंट्स के बारे में, आप जरूर इसे एंड तक देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। भारत ने रुपए को प्रमोट कर रहे हैं, इस वक्त 33 कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग रुपीज एज अ करेंसी। सर यानी 33 कंट्रीज आर रेडी टू ट्रेड एक्सेप्ट रूपी एज अ रूपी। हाँ देखें, उन्होंने मैंने बताया था इंटेलेक्ट को भी आउटसोर्स कर दिया है, हर बड़े इंस्टीट्यूशन का CEO जो है वो इंडियन भारतीय नजात का है, एंड दे आर ओके विद इट। बिजनेस वो उठा कहते हैं हम उठा के चाइना से इंडिया ले जाएंगे वो, तो ये डी-डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है। और दुख की बात ये है कि इनके माथे पे बल ही नहीं है। वहां इस वक्त डायलॉग चल रहा है, वहां पे एक कमेटी बनाई गई है जो रिसर्च कर रही है कि खुदा मेल था या फीमेल था। तो दिस इज व्हाट देयर प्रायोरिटीज राइट नाउ, टू फिगर आउट द जेंडर। तो ये अगर हकीकत, जब कौमें तबाह होती हैं तो वो बाहर से उनको कोई अटैक नहीं करता, इंटरनल वो कहते हैं। जिस तरह मैं आपकी मिसाल देना चाहूंगा, खाने को आटा नहीं है। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, सिनेमे चल चुके हैं, बॉलीवुड के शोर हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद करना। आपके पास खाने को कुछ नहीं है, तालीम आपके पास नहीं है, किस चीज का जिहाद करना, जबकि प्रूवन है हिस्टोरिकली हिस्ट्री कि दिस इज नॉट इवन योर DNA टू हैव अ जिहाद। आप रिबेल करते ही नहीं किसी चीज के खिलाफ, आप हमेशा इन्वेडर्स के गले में हाथ डालते हैं, जिहाद किस चीज के साथ करना है। लेकिन एक फेक आपको थ्योरी दे दी गई है, और कोई आप भी उन्हीं मुल्कों में शामिल है जहां पूरे मुल्क को आग लगा दी है और लोग तालियां बजा रहे हैं, वो देखते नहीं है कि हमें जिहाद करने के लिए भी खुराक की तो जरूरत है, तालीम की जरूरत तो है। और गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते, जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं जिहाद क्या है। उनको कह दिया गया ये सियासत नहीं जिहाद है, आओ आओ मिलके पाकिस्तान को जलाएं, आओ मिलकर पाकिस्तान को मिलके आग लगाएं और तालियां बजाएं, और बजा रहे। उस वक्त पाकिस्तान ने दो बड़ी गलतियां की।
पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर G20 थी। मैं आज यकीन करें मैं अप्रिशिएट करूंगा भारत को कि उन्होंने फिर फराख दिली का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को इनवाइट किया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर था ना पार्टिसिपेट करके। इन्होंने उसको वेलकम नहीं किया, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ज्यादती की। मैं ये समझता हूं कि इस दौर के अंदर आपको हर चीज टेबल पे करनी चाहिए, और आप जब आप अफोर्ड ना कर पा रहे हो कि किसी भी मेरा मकसद है ये जो अलले तलले पिछले 76 साल हम करते रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, दुनिया का सबसे बड़ा ये, दुनिया का सब वो यार है, खुदा का नाम है, कौम का सोचो, पाकिस्तान का सोचो, इनको वेलकम करना चाहिए था वहां जाना। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया ये अमेरिका की डेमोक्रेट कॉन्फ्रेंस में ना आने। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसका यूएस इंडिया रिलेशनशिप क्या है। आज मैं ये भी बताना चाहूंगा। देखिए पहले भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। यहां पे जो सीईओ और यहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है, हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है अमीरुल मोमिनीन की कि उर्दू में MBBS कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें, जिहाद के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये अपनों का पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में, लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे ये देखें। अच्छा फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है या आ जाता है Washington DC में अमरीका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम दोस्त सीधे। मैंने एक MBA लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया गलती की, एक MBA लड़का हायर किया था और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लेके लाओ, यकीन करें वो दो लफ्ज नहीं लिख सका इंग्लिश के, दो सेंटेंसेस नहीं लिख सका था। MBA की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से, दो फिक्रे एक लेटर नहीं लिख सका बंदा। अच्छा फिर मैं आगे चलना चाहता हूं कि जब डिग्रियां लेकर उनके IIT से, यहां पे जो मैंने आपको एक और बात बता रहा हूं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखला नहीं मिलता MIT में मिल जाता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ये है। मेजॉरिटी ऑफ द CEOs, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग इंडियन डायस्पोरा इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। ठीक, जब वो यहां लेकर आए एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के यहां डंकियां ही फिर रहे, हमारी जिंदगी डंकी बन गई। तो वो जब उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सके, तो वो उन्होंने जब यहां पे CEO बने, आज पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसका उसकी सोर्स उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वही CEO और वही इंडियन डायस्पोरा यहां पर Washington DC में इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकॉनमी इंप्रूव हो जाएगी, वो अगले लेवल पर चले जाएंगे, वो रीजनल पावर बन जाएंगे, वो फ्यूचर में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लेंगे, वो कई चीजें गेन कर जाएंगे इस अपनी यारी दोस्ती में। बल्कि मैं ये कहता हूं आपने चाइना की दुश्मनी बेचने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा भारत के सामने, चाइना को डराते रहे देखें हम आपके दोस्त हैं हमारी मदद करो, देखें इंडिया को खड़े हो जाते हैं आगे, आप उसको पैसे लेते रहे लंदन में चले गए जहां चले गए पाकिस्तान ना आए, लेकिन अब वो आपकी गेम तो नहीं चल रही ना। इंडिया और जो सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके दरमियान एक कोऑपरेशन हुआ है दहशतगर्दी को काउंटर करने का, कॉम्बैट करने का, और टेरर फाइनेंसी को कॉम्बैट करने का। और ये बेसिकली आप ये समझ लें कि ये रॉ और जो जो और जो सऊदी किंगडम की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके दरमियान हुआ है। वैसे अब हमने इससे पहले भी थोड़ा सा बात की थी कि ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब हो रहा है। एक तो वो सारी बात है फाइनेंशियली उनके इंटरेस्ट को देख रहे हैं, कारोबार बिजनेस और चीज़ें तेल और इस तरह की चीज़ें। दूसरा ये उन स्ट्रेटेजिक इशूज़ के ऊपर और ये जो ग्लोबली इम्पोर्टेंस के इशूज़ हैं उनके ऊपर भी जो है वो करीब हो रहा है। आपको क्या लगता है भाई साहब, पाकिस्तान जिसने मुस्लिम वर्ल्ड को और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया को इतना ज़्यादा जो है वो जेलसली गार्ड किया और प्रोटेक्ट किया कि उसको इंडिया की हवा ना लगे, आप पाकिस्तान की पोजीशन को कैसे देखते हैं जब इंडिया और सऊदी अरब का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑपरेशन ऑन कम्बैटिंग टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग है? देखें जी, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है जो डायरेक्टली टच करता है पाकिस्तान की कोर पॉलिसी को,
स्पेसिफिकली जो कश्मीर इशू को लेके, तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक्सचेंज भी हो रहा है गुज़श्ता 20-30 सालों से बिलखुसूस, इसका ताल्लुक बिलाखर जाके तो जुड़ता तो बहरहाल जो है वो दहशतगर्दी के साथ ही है। तो उस हवाले से अगर एक कोऑपरेशन जो है वो होता है सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान, तो इसको कम्बैट करने के लिए, तो उसमें जो नंबर वन सवाल उभर के आएगा वो कश्मीर में आएगा, क्योंकि इंडिया को इस वक्त जो है अगर किसी थोड़ी बहुत किसी तरीके से किसी मिलिटेंसी या दहशतगर्दी का कोई खदशा है या सामना है, पहली बात है सामना तो अब नहीं, खदशा कह सकते हैं आप जो इक्का दुक्का वाकियात हो रहे हैं, तो उसमें जाहिर है वो कश्मीर के अंदर ही है, बाकी तो कहीं उस